राशिद मियां बेकसूर थे, लेकिन हमने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान गई है। असल में उस मासूम की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। वो मासूम और कोई नहीं, तुम्हारी अम्मी थी। सोया, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, अब्बू कहाँ है? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? ये गुनाह हमने क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहते थे बेटा, डरते थे। बड़ी दुआओं के बाद तुम हमें दोबारा मिली थी और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। अगर हम तुम्हें सच नहीं बताते तो हम कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाते। हम जानते हैं कि जो गुनाह हमने किया है उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम होगी। हमने ये बात हैदर से भी कही थी और हम तुमसे भी कह रहे हैं बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हमें जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है। तुम चाहे तो हमें जेल भिजवा दो या हमें फांसी पर चढ़ा दो। तुम्हें नहीं देख पाना है हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा। सारी जिंदगी अपने अब्बू से मिलने के लिए तड़पती रही। मुझे लगा था कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी जो आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे छोड़कर जाने की वजह इतना बड़ा गुनाह था। हैदर ने आपको आपके गुनाहों के लिए माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मेरी
मेरी अम्मी को मार डाला आपने, मार डाला उनको। मैं आपको जेल नहीं भिजवाऊंगी और नहीं फांसी पे चढ़वाऊंगी, मैं आपको वो सजा दूंगी जो सबसे बड़ी है। आज के बाद मैं आपसे अपना हर रिश्ता तोड़ती हूं। आज से आप मेरे अब्बू नहीं और मैं आपकी बेटी नहीं। आप आजाद रहकर भी ना मुझे मिल पाएंगे और ना ही मुझे देख पाएंगे। चले जाइए इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। आपकी जिंदगी है, आपकी सजा है। चले जाइए यहां से। आपने मेरे सारे गुनाह अपने सर ले लिए और मुझे सबकी नजरों में गिरने से बचा लिया, लेकिन मैं खुद अपनी नजरों में बहुत गिर गई। मैंने तनवीर के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश की। एक अच्छी औरत नहीं हूं और ना ही एक अच्छी बीवी जी। आप मेरे गुनाह बेशक माफ करें ना करें, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करिए। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी।
मेरा सोया कैसी है? उसे होश आया? जी वो बेहतर है। हैदर अब खुद जाके क्यों नहीं मिलते? माजी को अच्छा लगेगा। नहीं वो सोया इस वक्त सदमे में। उसे थोड़ा वक्त लगेगा अपनी जिंदगी की इस हकीकत को अपनाने। उससे मिलने का ये सही वक्त नहीं। क्या एक भाई को अपनी बहन से मिलने के लिए सही वक्त आने का इंतजार करना पड़ेगा? सच मैंने हमेशा आपके और बाजी के बीच में एक रिश्ता महसूस किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये इस रिश्ते का रंग ना गहरा हो सकता है। सोया की अम्मी की मौत आपके अब्बू के फैक्ट्री में हुई थी, ये सब मेरी आंखों के सामने साफ है। कोई लड़का किसी के लिए जान की बाजी नहीं लगाता है, जरूर आपका आपकी छुटकी के साथ। Just shut up! मेरे लिए छुटकी सिर्फ प्यार से पुकारा जाने वाला एक नाम ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। छुटकी मेरी बहन का नाम था। सोया ही आपकी छुटकी है ना? आपकी असली छुटकी। बाजी बहुत अकेली है, उन्होंने अब्बू को आकर खो दिया है। ये अपने भाई की जरूरत है, आपकी जरूरत है। चाहिए हैदर ने दिया था, कहा था कि निकाह के बाद आपको दे। Well done, छुटकी। You know what? तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अरे छुटकी तुमने हलवा तो खाया नहीं, आज के खाने में सबसे स्पेशल तो यही है। इतना नहीं बस। अरे तुम खाओ तो सही, फिर तुम मुझसे और बनवाओगे।
मैं हूं हैदर की बहन। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। जब मुझे पहली बार ये लगा कि तुम मेरी खाला की बेटी चुटकी जैसी हो, वो गलत नहीं था, क्योंकि तुम ही मेरी असली चुटकी हो। वो चुटकी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसे नसीब ने मुझसे जुदा कर दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने मुझे तुमसे दोबारा मिलवा दिया, मेरी चुटकी से मिलवा दिया। तुम मेरे भाई हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। कितनी बार कहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, लेकिन तुम सुनती क्यों नहीं हो नजमा? बाजी आप ये खाओ। अरे खाइए प्लीज, 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 प्लीज। एक मिनट, मल्टीविटामिन खाई है तुमने? क्यों उसके लिए भी डांट सुनोगी? लामिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू नजमा, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मैं लेके आती हूँ अम्मी। हाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम की सख्त जरूरत है, मैं ले आता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर खान, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कितनी ठीक हो ना, ये तुम्हारे रिपोर्ट्स बताएंगी। दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो जोया। कहाँ अम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? टमाटर। नजमा आपको कुछ चाहिए? बड़ी अम्मी डॉक्टर साहब आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप रिपोर्ट्स ले आई है ना, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। पर ये अचानक, ये बेहोशी, ये तो नॉर्मल है। ऐसे स्टेज में चक्कर आना और मॉर्निंग सिकनेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्निंग सिकनेस लेकिन पहले पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी ऑफ लेटली तो नहीं हो रही, तो फिर कमाल है। जनरली ऐसा नहीं होता, वैसे हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, और अच्छा ही है कि मॉर्निंग सिकनेस पहले ही महीने में खत्म हो गई। पहला महीना? डॉक्टर ये नजमा बाजी का पांचवा महीना है। मुझे मालूम है, मैं नजमा की बात नहीं मिसेस जोया की बात कर रही हूँ। हाँ मिसेस खान आप प्रेग्नेंट हैं। जोया अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अम्मी एक मिनट, मिसेस खान आपको आपको पता नहीं चला क्या कि आप प्रेग्नेंट हैं? आई मीन आप प्रेग्नेंट हैं और आपको पता नहीं चला बिल्कुल भी? मुझे क्या पता कि मुझे नहीं पता चला। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिसेस खान, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? आई मीन दूसरों के बारे में आप, आपको समझ में नहीं आता, वो बात को मैं समझता हूँ, पर आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे वो नहीं समझ में आ रहा आपको वो? हाँ मुझे नहीं पता चला तो क्या करूं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लड़की हैं, आपको पता चलना चाहिए था। ओह रियली? आप लड़की हैं, कभी प्रेग्नेंट हुए हैं आप? नहीं ना, तो खामोश रही। अल्लाह मियां व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओके क्यों डांट रहे हैं मुझे? मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, समझे आप? प्लीज खुदा के लिए आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। चलिए रूम में चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मिसेस खान प्लीज रूम में चलिए। मुझे नहीं जाना। आप नहीं मानेंगे? हाँ मैं नहीं मानूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेस खान